देखिए, इस दफ़ा जो पानी आया, इतनी बारिशें हुई है और दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसेस से ज़्यादा पानी आया, तो ये कोई नुकसानदेह अमल नहीं है। ये कानून कुदरत है, ये फितरत है। सैलाब दरियाओं की ज़िंदगी होती है। हर 5 साल और 10 सालों में जो सैलाब आता है वो दरिया की ज़िंदगी होती है। ये कुदरती रिसाइकिलिंग सिस्टम है। इस वक्त 0 पॉइंट बदीन से लेकर फिट्टी क्रीक, कुरंगी क्रीक तक जितनी 17 क्रीक्स हैं, उन क्रीक्स के अंदर सचजान खान, जाती, शाहबंदर, कोडारियो, रोडो, सजनवारी, खारोछान, फाट, केटी बंदर, तुरछान, हजामड़ो, ये वो माहीगीर उनकी आबादियां हैं, जिन आबादियों को इस पानी से, सैलाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाखों की तादाद में समंदरी हयात को दोबारा इस डेल्टा के अंदर आने की के लिए जो मौका मिलेगा। डेल्टाओं के अंदर, इंडस डेल्टा में, ये गुज़स्ता 10 सालों से जो गंदा पानी आ रहा था, सेम का पानी आ रहा था, जरी ज़मीनों से सनती फजला जो आ रहा था, उस फजले को इन क्रीक से साफ करने का फितरी अमल हुआ है ये। और इससे ये जितनी क्रीक्स हैं, ये क्रीक साफ़ होंगी और इन क्रीक्स के अंदर लाखों की तादाद में मछलियों के बच्चे, अंडे, उनको इस पूरे साल के लिए ताज़ा खुराक मिली है। इंडस डेल्टा ने जो स्लिट लाई है, ये ताज़ा खुराक हज़ारों लाखों की तादाद में समुद्री हयात के जो बच्चे हैं उनको, ये उनके लिए ताज़ी खुराक मिली है। और ये पूरा साल समंदर जो है वो जब क्रीक्स और जज़ायर को काटता है, वो अमल इस साल रुकेगा। वैसे सालाना 0.5 किलोमीटर जो समंदर है वो आइलैंड्स को काट कर अंदर चला जाता है। इस तरह 350 किलोमीटर की जो पट्टी है, इस पट्टी के ऊपर हर साल 150 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन कट जाती है। 150 किलोमीटर हेक्टर जो है आइलैंड जज़ायर जो है वो कट जाते हैं, वो समंदर आगे आ जाता है। तो इतना पानी हर साल इंडस डेल्टा और समंदर की ज़रूरत है। इस फितरी उसूल को न रोका जाए। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के लोगों के, कि इको सिस्टम को खुदारा डिस्टर्ब न कीजिए। जब आप इको सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो उससे पूरी जो इस दरिया के इर्द गिर्द बसने वाले लोग जो हैं वो सब मुतासर होते हैं। जब हम फितरत को डिस्टर्ब करते हैं तो फितरत एक दफ़ा पलट खाती है, जिसमें करोड़ों लोग ज़ेराब आ जाते हैं। ये हमारे हुक्मरानों की गलत हिकमत अमली की वजह से ये करोड़ों लोग डूब रहे हैं। ये कोई डूबने का मकाम नहीं है। इतना पानी नहीं डूबोता लोगों को। दुनिया के ममालिक में सारा साल बारिशें होती हैं, वहाँ तो सैलाब नहीं आते, वहाँ इतने करोड़ों लोग मुतासर नहीं होते, क्योंकि वो सनाफ साइल होते हैं जो अपनी मुल्क, अपनी सरजमीन, अपने इकोसिस्टम, अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं। उस हिसाब से वो एक ज़राअत करते हैं, उस हिसाब से वो अपने शहर बनाते हैं। हम बग़ैर प्लानिंग के और कुदरती निज़ाम को समझे बग़ैर जब नदी और नालों के दरमियान शहर बनाएंगे, होटलें बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो कानून कुदरत हर 5 साल के अंदर करवट लेता है, जिसमें ये सैलाब आते हैं। सैलाब दरियाओं की ज़िंदगी है और दरियाओं की ज़िंदगी से जब भी, जहाँ भी जो कोई भी खेलता है वो डूबता है।